नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पीथमपुर में 12 मई 2024 को लोकसभा निर्वाचन के एक दिन पहले धार कलेक्टर महोदय और मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशिकांत शुक्ल के निर्देशन में नगरपालिका पीथमपुर के द्वारा 5 आदर्श मतदान केंद्र सेंट मैरी स्कूल, सेंट फ्रांसिस स्कूल, पटेल पब्लिक स्कूल, सरस्वती स्कूल, न्यू जीनियस स्कूल को चिन्हांकित कर मतदान केंद्रों में उच्चतम व्यवस्थाएं की गई है, जिनमें निकाय की सहयोगी संस्था अलाइड सॉल्यूशन सर्विस के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार जीरो वेस्ट इवेंट, गीले कचरे से बनी कंपोस्ट और ट्रिपल आर सेंटर की प्रदर्शनी बनाई गई है। नगरपालिका पीथमपुर द्वारा आदर्श मतदान केंद्र में आए समस्त अधिकारियों के हेतु उच्च स्तर की तैयारियां की गई है। साथ ही समस्त 90 मतदान केंद्रों में नगरपालिका की टीम द्वारा आए निर्वाचन अधिकारियों का पुष्पहार से स्वागत कर टीम द्वारा समस्त पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेशानुसार समस्त मतदान केंद्रों में निकाय के अधिकारी कर्मचारी दल बनाकर व्यवस्थाएं जुटाने में लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से तुरंत निराकरण किया जा रहा है। मतदान दल से अधिकारियों के द्वारा भी रहवासियों से अधिक मतदान करने हेतु अपील की जा रही है। समस्त आदर्श मतदान केंद्रों को पूरी तरह जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में बनाया गया है, जिससे निकाय के रहवासी प्रेरित होकर अपने कार्यक्रमों को भी जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में बनाएं। जगत न्यूज 24 मध्य प्रदेश पीथमपुर से संदीप सिंह राणा जी की रिपोर्ट। हम यहां आदर्श मतदान केंद्र क्रमांक 269 पर लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यहां आने के बाद में हमारा बहुत ही अच्छा वार्म वेलकम किया गया। हमें यहां पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सभी सुविधाएं बहुत अच्छी है। इसके लिए हम चुनाव आयोग, कलेक्टर महोदय और नगरपालिका पीथमपुर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और यही आशा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व महाकुंभ में सभी लोग अधिक से अधिक मतदान करेंगे और लोकतंत्र को और मजबूत बनाएंगे। थैंक यू मैम। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।